जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं या टेट का, आरपीएससी, जिनमें भी हिंदी साहित्य पूछी जाती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपके सभी मित्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। तो आप बिल्कुल, मुझे पूरी आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और इसमें जो पीडीएफ लिंक दे दी जा रही है उसको भी आप शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई थी। तो आपको पता होगा कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं। अब आपको तो पता होगा दोस्तों कि जो तुलसीदास जी हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, तो इसका जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। और तुलसीदास जी के बारे में हम आपको बता दें कि तुलसीदास जी भक्ति काल के राम काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनकी एक प्रमुख रचना है कौन सी, रामचरितमानस है, जो कि महाकाव्य है और ये श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है राम काव्य पर आधारित, और इसकी जो रामचरितमानस है इसकी सर्वाधिक जो है टीकाएं भी लिखी गई हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। और कामायनी किसकी रचना है, जी हाँ दोस्तों, ये जो कामायनी है ये भी एक महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है और किसका महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का है और ये किसकी रचना है यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका विकल्प नंबर जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, जिसमें कि 15 सर्ग हैं और प्रथम जो सर्ग है वो चिंता है और अंतिम जो सर्ग है उसका नाम है आनंद। छ कौन से दो व्यंजनों के मेल से बना है। दोस्तों, हम बता दें कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है जो विकल्प नंबर बी है, आधा का और सा मिलकर क्या बनता है, छा मिलता है, मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची, दोस्तों आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि गंगा का पर्यायवाची पूछा जाएगा या फिर नदी का पूछा जाएगा, अग्नि का पूछा जाएगा, और इतने सरल सरल प्रश्न जो पर्यायवाची पूछे जाते हैं लेकिन हम अधिकांश पर्यायवाची गलत करके आते हैं। तो आपको अगर दिन में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सही, एमपीएसआई की पढ़ाई कर रहे हैं या जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको पर्यायवाची का एक नियम बनाना चाहिए कि हमें 5 पर्यायवाची पढ़ना है और 5 पर्यायवाची में ऐसे पर्यायवाची पढ़ना है जो कि हमें हमेशा याद रहें, इस प्रकार से पढ़ना है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर तो वो है विकल्प नंबर बी, होतासन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है तो आपको बताना है, तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अतिथि। अतिथि जो सबसे विकल्प नंबर डी में लिखा है वो सही है, इसका शुद्ध लिखा गया है, इसकी शुद्ध वर्तनी है। अब नेक्स्ट है कि शब्द का शुद्ध रूप पहचानिए। अब शब्द का हमें शुद्ध रूप पहचानना है तो विकल्प नंबर ए जो हो जाएगा, बीमारी, इसमें सही उत्तर हो जाएगा शब्द का शुद्ध रूप। नेक्स्ट है, महाधन ऋषि में कौन सी संधि है। दोस्तों, संधि में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, संधि की बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, आप कभी नहीं भूल सकते। तो महाधन ऋषि में संधि कौन सी होने पर क्या बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका विकल्प नंबर सी, महर्षि हो जाएगा। महाधन ऋषि, इसमें क्या आ रहा है, आ के बाद री आ रहा है, मतलब ऋषि का आ रहा है, मतलब कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी इसमें। और हम आपको बता दें दोस्तों कि जब दीर्घ संधि होती है स्वर संधि में तो बड़ी की मात्रा आती है, बड़े उ की मात्रा आती है, मतलब बड़ी मात्रा जहां पर आती है बीच में तो वहां पर हो जाती है दीर्घ संधि। और जहां पर जो है आ के बाद ई उ और ऋ आता है वहां पर होती है गुण संधि, तो यहां पर बड़े आ के बाद री आ रहा है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी, तो इसको आपको याद रखना है। उपकार का विलोम है, उपकार का विलोम कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपकार। कई बार पूछा गया है उपकार का विलोम क्या है, अपकार है ना, उत्कर्ष का विलोम क्या है, अपकर्ष, इस प्रकार से कई बार एग्जाम में ये पर्यायवाची और विलोम पूछे जाते हैं। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, अब आपको बताना है देवनागरी जो लिपि है वो किस भाषा की लिपि है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिंदी।
सचरित्र का संधि विच्छेद कीजिए तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, सत धन चरित्र सचरित्र हो जाएगी अर्थात इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, तो विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का अर्थ है, तो विकल्प नंबर जो इसका सी है कि झगड़ जो भी झगड़ा है उसको जड़ से नष्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा ना बज रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो विकल्प नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। आज्ञापान करने वाले को कहते हैं, आज्ञापान करने वाले को क्या कहते हैं, आज्ञाकारी कहते हैं। नेक्स्ट है मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया मतलब घूस देना, मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना, मतलब विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है, तो ए है नई दिल्ली में, पूछा गया है एग्जाम में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। मैं अपनी माताजी के लिए दवा ले आया हूँ, वाक्य में लिए कौन सा कारक है, तो आपने कारक पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा है ना अपादान से, तो ये कारक आपको पढ़ना है। तत्पुरुष समास अगर आप पढ़ेंगे, जब आपको कारक पढ़ने ही पड़ेंगे, कारक अगर आपको नहीं आते तो तत्पुरुष समास आपको नहीं बनेगा, तो तत्पुरुष समास बनेगा यहाँ पर लिए पूछा गया है, तो आपको पता होगा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए आता है मतलब यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, और कारक पूछे जाते हैं परीक्षा में, एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कारक के, तो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। वह बहुत सोता है, वाक्य में सोता सोना कौन सी क्रिया है, तो आपको पता होगा कि जब हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं तो इसमें हम जो है क्या लगाकर उत्तर करते हैं, तो अगर उत्तर आता है तो सकर्मक, नहीं आता है तो अकर्मक, मतलब वह बहुत सोता है क्या सोता है, उत्तर नहीं आ रहा मतलब ये क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। इस प्रकार से सकर्मक और अकर्मक की पहचान भी हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। जुड़े रहें चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आप के पास जो है हमारे वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट है चीप की दावत कहानी के लेखक कौन है, तो चीप की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी, याद रखना भीष्म साहनी, चीप की दावत कई बार एग्जाम में पूछा गया। और गोदान उपन्यास के लेखक का नाम बताओ, तो आप सभी को पता होगा प्रेमचंद, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोदान को, याद रखना कई बार इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बना है। सापेक्ष का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो निरपेक्ष होगा, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष, मतलब विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। स्मरण का विलोम क्या है, तो स्मरण का विलोम हो जाएगा सी विस्मरण, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एमपी टेट में पूछा गया था, अभी स्मरण का विलोम विस्मरण हो जाएगा। अथ का विलोम आपको बताना है, तो अथ का विलोम होगा इति, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, पर्यायवाची भी बनते हैं, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा इति हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, तो रामधारी सिंह दिनकर आपको पता होगा कि इनकी जो रचना है वो उर्वशी है, और उर्वशी के लिए आपको पता होगा दोस्तों कि 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की। इनमें से किस कवि ने अधिकतर कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं, तो ब्रजभाषा आपको पता होगा कि ब्रजभाषा का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो रीतिकाल को कहा जाता है, क्योंकि रीतिकाल में इतनी जो है रचनाएं रची गई वो ब्रजभाषा में, अधिकांश रचनाएं ब्रजभाषा में ही लिखी गई, और ब्रजभाषा का जो चरमोत्कर्ष था वो रीतिकाल ही था, क्योंकि रीतिकाल को क्या कहा जाता है, ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और ब्रजभाषा में लिखी गई अधिकतर जो रचनाएं हैं वो सूरदास जी की हैं, याद रखना सूरदास जी की रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, इनको भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछी गई। नामवर सिंह ने अधिकतर क्या लिखा है, तो दोस्तों हम आपको बता दें नामवर सिंह ने अधिकतर जो लिखी है वो आलोचनाएं लिखी हैं, और इनमें से कौन छायावादी कवि है, तो छायावाद के बारे में तो आप जानते होंगे कि छायावाद का काल माना जाता है 1918 से 1936 माना जाता है, कहीं कहीं 1920 से 1936 भी दिया रहता है, लेकिन 1918 से 1936 ही माना जाता है। और बात करें कि इसका जो उत्तर है छायावाद का कवि है, तो सुमित्रा नंदन पंत है। हम आपको बता दें दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये चारों ही छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। और ईला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है, और वहीं नंदुलारी वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। और एक बात और बता दें, जो एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, वो है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो वो किया है मुकुटधर पांडे ने, है ना। और एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो वो है श्रीधर पाठक,
याद रखना है इसको भी। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है, कई बार एग्जाम में पूछा गया संसद से सड़क तक किसका है, तो ये है कौन का, सुदामा पांडे धूमिल का, आपको पता होगा सुदामा पांडे धूमिल का है। रामलला नेहचू किसकी रचना है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी की रचना है, रामलला नेहचू तुलसीदास जी की ये रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। जानकी मंगल है ना, विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, ये सभी, बैराग संदीपनी, ये सारी की सारी रचना है तुलसीदास जी की, आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, कैसे संत कवि की पंक्तियां हैं, तो ये है दोस्तों रैदास की पंक्तियां हैं, इसको याद रखना। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, तो रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है, प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं, और इनका प्रथम जो उपन्यास माना जाता है वो सेवा सदन माना जाता है। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए आई वर्ण आप जो स्वर होते हैं दोस्तों उनको भी आपको पढ़ना है। हिंदी का अगर एग्जाम दे रहे हैं आप, MPSI दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनमें आपको स्वर्ण स्वर जो होते हैं उनको आपको देखना है कि इनकी क्या स्थिति है। मतलब ये कंठ तालब है, तालु से बोले जाते हैं, नासिक से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, मूर्धन है, तो इस प्रकार से आपको याद भी रखना है। ट्रिक के माध्यम से अगर हम एक बार आपको बताएंगे, जो का वर्ग खा वर्ग जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनको भी आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ग किस कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य से, तालब से, ओष्ठ से, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। मतलब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तब तक आपको तैयारी करना है जब तक अपने आप अंदर से ना लगने लगे कि अब बस अब मैंने बहुत तैयारी कर ली है। आपका 100% जो होगा दोस्तों तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं कि कभी इसका एग्जाम दे दिया, कभी उसका एग्जाम दे दिया और ऐसे ही चल रहा है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको तपना पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत तपना पड़ेगा। एक मनई के दुई बेटवे रहन, ओहे माँ लहूरा, अपने बाप से कहेस कि दादा माँ, दादा धन माँ जबन हमर, बखरा लागत हुए तबन हम का दैते, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, तो ये है अवधि। अब आपको बता दें कि अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी जो है उसकी बोली है अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं। अब छत्तीसगढ़ी इसका कोड है, आ से अवधि, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो इस प्रकार से अब छत्तीसगढ़ी मतलब ये पूर्वी हिंदी की बोलियों को याद करने का कोड हो जाता है। सा 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 और हा कौन से व्यंजन है, तो ये आपको पता होगा, ये संघर्षी उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। सा 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 और हा ये उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, मतलब जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अब शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपको क्या लग रहा है, विकल्प नंबर 1 सही लग रहा है, तहसीलदार इसका सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, पवन। पवन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा इसका, पो धन अन पवन हो जाएगा, मतलब इसमें अयादि संधि हो जाएगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी, तो इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा, तो आपको पता होगा अनुज में अगर आ जोड़ दिया जाएगा तो अनुजा हो जाएगा, अनुजा क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी आपको कौन सी लग रही है, विकल्प नंबर 2 कृपा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी है कृपा। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे, तो समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कमलेश्वर माने जाते हैं दोस्तों, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और किसी भी स्टूडेंट पर ये नहीं बना है, क्योंकि समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो कमलेश्वर हैं, इसको आपको याद रखना है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो इसमें सदा धन एव हो जाएगा, मतलब इसमें स्वर संधि हो जाएगी, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, तो वो कौन सा होगा, बहुव्रीही समास हो जाएगा, है ना, बहुव्रीही समास हो जाएगा इसमें। और आपको पता होगा कि बहुव्रीही समास में दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीही समास होता है, इसको याद रखना है। और दोस्तों जो रूढ़ योग रूढ़ और योग्य का आपने पढ़े होंगे, योग रूढ़ में क्या होता है कि योग रूढ़ में भी
तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर योग ऋण होता है, मतलब बहुव्रीही समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी योग ऋण होते हैं, है ना। ऋण, योगिक और योग ऋण बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे आपको, कभी नहीं भूल सकते। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, आप कहेंगे सर इसमें तो योजक चिन्ह लगा है, बिल्कुल लगा है, लेकिन मुख और दर्शन नहीं होगा इसमें, है ना। मुख का दर्शन होगा, मुख का दर्शन, है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाता है एमपी टेट में कि मानव समाज और योजक चिन्ह लगा था, स्टूडेंटों ने क्या किया कि उसमें कौन सा समास लगा दिया, द्वंद समास लगा दिया, बोले इसमें तो योजक चिन्ह है। लेकिन आपको ध्यान रखना है योजक चिन्ह भी होता है और एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, तब द्वंद समास होता है। तो मुख दर्शन एक दूसरे के विपरीत नहीं है, मुख का दर्शन होगा। मानव समाज एक दूसरे के विपरीत नहीं है, मानव का समाज होगा, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मुख दर्शन में कौन सा समास होगा, तो वो होगा तत्पुरुष समास। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं रूढ़। स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, रूढ़ शब्द की हम बात करें तो रूढ़ में क्या होता है कि जब हम इनको अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अर्थात इनके जो विच्छेद होने पर, अलग अलग होने पर इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ कहलाते हैं। और यौगिक वो होते हैं जिनको अलग अलग करने पर, विच्छेद करने पर इनके जो है क्या होते हैं, अर्थ, स्वतंत्र अर्थ निकलते हैं, है ना। जैसे बात करें कि भोजनशाला, भोजन को अलग कर दो और शाला को अलग कर दो, तो दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, भोजन का अलग अलग अर्थ है और शाला का अलग अर्थ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, योगिक हो जाएगा। और योग रूढ़ तो मैंने बताया था आपको कि योग रूढ़ में क्या होता है, योग रूढ़ में तीसरा अर्थ निकलता है वहां योग ऋण होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, और यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकर्ण नंबर एक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनंत का पर्यायवाची होगा, तो अनंत मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होता है, मतलब निस्सीम, निस्सीम जिसकी कोई सीमा नहीं वो अनंत होता है, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, अब देशज आपको बताना है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये बताना है। तो देशज जो शब्द होगा विकल्प नंबर दो हो जाएगा, लोटा इसका सही होगा, देशज। नेक्स्ट है, खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो खर मतलब क्या होता है, गधा। खर का पर्यायवाची क्या होता है, गधा होता है, तो खर का पर्यायवाची विकर्ण नंबर तीन हो जाएगा सही, गधा। प्रगतिवादी आलोचना का आधार क्या है, तो आपको दोस्तों पता होगा कि छायावाद के बाद कौन सा युग आता है, प्रगतिवाद आता है। 1936 से 43 का जो काल माना जाता है वो प्रगतिवादी माना जाता है, और प्रगतिवादी जो है वो मार्क्सवाद से प्रभावित है, मतलब प्रगतिवादी आलोचना का आधार क्या है, तो वो मार्क्सवाद है, विकर्ण नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैर तले की जमीन नाटक जो मोहन राकेश का अधूरा नाटक था, जिसे पूरा किया, किसने पूरा किया, पैर तले जमीन, ये मोहन राकेश का अधूरा नाटक है और इसे कमलेश्वर ने पूरा किया, मतलब विकल्प नंबर दो दिया है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है, दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समस्यात्मक जो नाटक है उनके जन्मदाता कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र है। और आपको पता होगा कि लक्ष्मी की तो सभी को समस्या रहती है, बोले लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी की बड़ी समस्या है, लक्ष्मी नहीं आ रही कहाँ कहीं से, तो समस्या मतलब किसकी, लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी क्या हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे, समस्या नाटकों के जन्मदाता। कबीरा खड़ा बाजार में तथा हनुस नाटक की रचयिता कौन है, तो भीष्म साहनी है। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कबीरा खड़ा बाजार में और हनुस जो है इसके नाटक हैं, भीष्म साहनी जी। मोहन राकेश के किस नाटक में मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है, तो उनके आधे अधूरे जो नाटक है उसमें पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है, मोहन राकेश के आधे अधूरे, अषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन, इनका अधूरा नाटक रहा और कमलेश्वर ने पूरा किया, और ये चारों ही नाटक किसके हैं, मोहन राकेश के हैं। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, तो कामायनी, कामायनी महाकाव्य है प्रसाद जी का, है ना, इसको याद रखना। छायावाद की प्रमुख विशेषता है, तो छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, प्रकृति का मानवीकरण और प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहा जाता है, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया अभी एमपी टेट में भी पूछा गया था, प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहा जाता है, तो ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। किन रचनाओं को क्रमशः छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला और हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, तो झरना और आंसू को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला और हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, झरना और आंसू किसकी रचना है, ये कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये पत्रिका, इसका उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप
जो पत्रिका थी वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई। और बालकृष्ण भट्ट जो है दोस्तों वो भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ कवि। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस भारतेंदु युग का सबसे वरिष्ठ कवि कौन है, निम्न में से बताना था, तो बालकृष्ण भट्ट थे सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते थे। ये आपको याद रखना 1944 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद भारतेंदु जी का 1950 में जन्म हुआ और 1844 में इनका जन्म हुआ था और 1850 में जन्म हुआ भारतेंदु जी का और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बालकृष्ण भट्ट जो माने जाते हैं भारतेंदु मंडल के श्रेष्ठ और वरिष्ठ कवि माने जाते हैं, चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अब आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, कितना ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है और जो भी हमने आपसे पूछे हैं प्रश्न उनको कमेंट के माध्यम से उसके उत्तर भी बताएं और भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार से आप प्रश्न चाहते हैं, किस प्रकार से आपकी जो तैयारी है वो चल रही है और क्या कमी है उसमें वो भी आप बताएं। हम निश्चित ही उसको पूर्ण करने की जो है पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों आपसे बस इतनी आशा रहती है हमें कि आप जो है शेयर जरूर करें वीडियो को, इसकी जो पीडीएफ लिंक है वो भी हम दे देंगे, वो भी जरूर शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, आपके दोस्तों तक पहुंचाएं, उनके लिए भी ये मददगारी हो। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।